ओझा जी, एक चीज इसमें मैं समझना चाह रही हूँ, वो अमेरिका जो आपको ये कह रहा है कि आप भारत स्वतंत्र है, जहां से तेल लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, ये पूरी तरीके से आपके विवेक पर निर्भर करता है, एक तरफ ये कहना। दूसरी तरफ याद होगा जब S-400, जिसकी बहुत हम चर्चा बार बार करते हैं, S-400 को लेकर जब बातें चल रही थी, उस वक्त अपने नियमों में बदलाव अमेरिका की तरफ से करना, ये सारे मैसेज ही तब से शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमने 10 साल का इंतजार किया, यही अमेरिका बहुत सारी चीजों के लिए पहले डिनाइड मूड में रहता था, आज वो साझेदारी के मूड में। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे कि मेरे कोलीग ने बताया कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स, ये दोनों एकदम एक अलग डायमेंशन पे चले गए। जहां हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो अगर उसमें बात कर रहे हैं तो चाइना एक उभर के आया, चाइना को टक्कर देने के लिए यूएस है, यूएस चाइना का टग ऑफ वॉर आपस में चल रहा था, उसको अपना शोल्डर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था, उसने पार्टनर ढूंढा, रशिया को भी वो नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि रशिया के ऊपर अभी फुल्ली बैन नहीं लगा हुआ है, किसी तरह के का इस तरह का फुल उसके ऊपर सेंशंस नहीं लगाए गए हैं, पार्शियली सेंशंस लगे हुए हैं कुछ कुछ चीजों पर। इसी तरह से ईरान पे आप देखिए, ईरान को न्यूक्लियर पे उसने काफी फ्लेक्सिबिलिटी अभी दी, काफी उनकी मतलब अगर देखा जाए तो वो काफी सॉफ्ट कॉर्नर हुआ न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स की वजह से। इसी तरीके से अगर हम आप भारत की बात करते हैं तो भारत को वो बेसिकली एक इंडो पैसिफिक में एक अपना एक पार्टनर चाहिए था जो कि चीन चीजों को जियो पोलिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सके। अब जियो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, जहां एक यूएस की एक मोनोपोली थी हर चीज में, चाहे वो स्पेस की हो, चाहे एयरक्राफ्ट की हो, चाहे डिफेंस की हो, चाहे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की हो, उस चीजों को हिट किया गया। अगर आप देखते हैं, अगर आज अभी जो आप सरकार रशिया ने अपना एक खुद का एक कंसोर्टियम बनाया, रशिया ईरान चाइना और कहीं हद तक उसने अप्रोच किया इंडिया को भी ज्वाइंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसोर्टियम बनाने का, मींस अगर आज के समय में मान लीजिए अगर HAL अपना जहाज बनाता है लेकिन वो उसको उड़ा नहीं सकता, उसके लिए उसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बोइंग या एयरबस के जाके स्टैंडर्ड जो उनका मापदंड है उससे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। लेकिन उन सब चीजों के लिए रशिया ने और इन्होंने अपना एक ज्वाइंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बना के और उस चीजों को ले गए कि ये हमारी एशियान है, ये जहाज हमारे इस टेरिटरी में उड़ना है तो हम क्यों जाएं उनके पास स्टैंडर्डाइजेशन या उनसे मापदंड का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो हर चीज पे एक पूरी तरह से अगर आप देखें तो टू सुपर पावर हैव स्टार्टेड वर्किंग सेपरेटली। और जहां तक हम बात करते हैं, अभी इन्होंने अगर आप बात करते हैं रशिया की, आप बात कर रहे हैं ईरान की, आप बात करते हैं टर्की की, उन्होंने तो पूरी तरीके से उन्होंने बोला कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डॉलर्स, हम अपने रुपए में करेंगे, और रशिया ने तो रुपया लेना चालू भी कर दिया था बिल्कुल काफी चीजें। तो ये इकोनॉमिक सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज, तो ये इट्स नॉट बेसिकली अ काइंड ऑफ की एक रिलेशनशिप उजागर हुई और उस वजह से अमेरिका ने जाके बोला नहीं इंडिया को हम एक शोल्डर देना चाहते हैं, यही एक यूएस था जिसने कई जगह पे हमको हर्डल किया। प्रेडेटर के लिए हम कब से लगे हुए थे, आज तक उसकी TOT ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई है, अब आगे होती है कि नहीं वो भी एक बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि वो वही चीज दे रहा है जिसपे हमारी डिपेंडेंसी एक तरह से बनी रहे। बिल्कुल, वो मतलब एक मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है उस तरीके से ये चल रही है। बिल्कुल ठीक ठीक है विनस जी, चाइना इस दौरे के बाद अब जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं पूरे टूर के बाद, पॉजिटिव क्या सोच रहा होगा चाइना? तो ऑब्वियसली इसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। चाइना भारत को कभी भी इक्वल समझता नहीं है, चाइना समझता है कि वो ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर भारत नहीं है, और कहीं ना कहीं पे चाइना के लिए भारत एक तरह का थ्रेट फैक्टर है। मैं हमेशा समझती हूँ कि भारत को जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ इंडिया इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर द पावर स्ट्रक्चर ऑफ चाइना। तो चाइना जब उस एंगल से भारत को देखता है और उसके साथ जब अमेरिका जुड़ जाता है तो वो थ्रेट फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप चाइनीज मीडिया में इस समय अगर देखेंगे इस विजिट को लेके तो आप देखेंगे कि दे हैव ट्राई टू डाउन प्ले द एंटायर विजिट एंड दे हैव ऑल्सो बीन वेरी दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रोडिक्टिंग। तो जहां जहां पे एक पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव नैरेटिव है भारत के बारे में या भारत की एमर्जेंस को लेकर, आपको जल्दी से रोक रही हूँ और एक बड़ी खबर आ रही है सही जी। बस सबसे कुछ ही देर में जिसका इंतजार था, Washington DC में भारतीय समुदाय के जो लोग बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं वो संबोधन शुरू होने वाला है। मतलब ये हुआ कि बस सबसे कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे सीधे लाइव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में अमेरिका में बसे भारतीयों को क्या संदेश देते हैं? सचदेव सर, अगर हम सचदेव सर चाइना को लेकर आपको लगता है कि डिप्लोमेटिकली हमारे रिश्तों पर कुछ इस विजिट का असर पड़ेगा? देखिए, चाइना के साथ डेफिनेटली हमारी एक इशू है ना, हमारा बॉर्डर है, फिजिकल बॉर्डर है, राइट? तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें इक्विलिब्रियम पे आना पड़ेगा चाइना के साथ, ना आना पड़ेगा, आएंगे 50 साल में, 100 में, 200 में, जब भी, उसे एक मिनट अलग रखिए। आज चाइना और यूएस का लेके जो बात हो रही है, एसेंशियल बात यह कि एम्पायर नंबर वन अमेरिका ने ठान ली है कि वो नंबर टू एम्पायर को कभी नंबर वन नहीं बनने देगा, और नंबर टू एम्पायर कहता है रोक सको तो रोक लो, मैं तो बन के रहूंगा। ये एसेंशियल बैटल है आज की दुनिया में, इन अ बिग पिक्चर। वन, सेकेंडली अभी जो हो रहा है, देखिए कोविड के बाद पूरी दुनिया जिस तरह से झंझोर गई, फिर यूक्रेन वॉर एंड ऑल, इसके बाद ये दुनिया टोटल अपने को रीबूट, जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट करते ना, वो कर रही है। और ये जो रीस्टार्ट हो रहा है दुनिया का, इस समय हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट, ऑफकोर्स लॉजिकल बात है, सेल्फिशिज्म हम कहेंगे या जो कहेंगे, इंडिविजुअलिज्म कोविड के दौरान बाय द वे विचार बढ़ा है, इन सब के चलते हर देश अपने समीकरण री इवैल्यूएट कर रहा है और देख रहा है कि आगे चुनौतियां क्या हैं। अब आगे चुनौतियां क्या हैं, मेरे को जो दिखता है, मेरा थीसिस ये है कि इस समय हम ऑलरेडी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में हैं। न्यूक्लियर आप अलग रखिए, एक साल से थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रही है, वी कैन गो डीपर इन दैट। एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस और इनके सबका एस्टिमेट ये है कि अगले 5 से 10 साल में मोस्ट प्रोबेबली या कुछ चांस है एक मेजर वॉर होगी ताइवान चाइना की, अमेरिका शायद उसमें इन्वॉल्व हो जाए। वो वॉर गेमिंग कर रहे हैं, कितने अमेरिका के मरेंगे, कितने चाइना के मरेंगे, मैं उसको कहूंगा वो चौथी वर्ल्ड वॉर हमारे सामने आने वाली है। अब तैयारियां जो चल रही हैं अमेरिका की भी और हमारी भी, आई थिंक एंड एवरीवन, इस पोजीशनिंग की इस दुनिया में कैसे अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करो, अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करो, दुनिया ये सिचुएशन है जो मुझे दिखता है। जहां तक आप रशिया की बात कर रहे थे, S-400 एंड ऑल, रशिया से हमारी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हम तेल चाहे खरीद लें, हम पैसे नहीं दे पा रहे रशिया को। रशिया रुपी रूबल ट्रेड जो हमारे पास है, अभी हमारे पास अराउंड $40 बिलियन हो गया होगा, अब तक हो गया है। पिछले महीने रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए, मेजर एफर्ट्स चल रहे हैं दोनों सरकारों के, बट रशिया कह रहा है मुझे रूबल नहीं चाहिए, इंडिया कहता है रुपी ले लो, वो कहता है मैं क्या करूंगा, वो कहता है मुझे दिरहम में दो या युआन में दो। रशियन कंपनीज कह रही है आपको तेल देना बंद कर देंगे क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे। ये तो नोशनल पैसा है, $40 बिलियन पड़ा है या $60 बिलियन पड़ा है इंडिया पे, तो तेल की इटसेल्फ ये पेमेंट की प्रॉब्लम है। आने वाले वक्त में ये सर रिजॉल्व कैसे होगा, क्योंकि बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये रिजॉल्व कैसे होगा, क्योंकि एक तरफ आप अमेरिका कह रहा है तेल खरीदिए, इंडिया खरीदना भी चाह रहा है, यहां से अलग सप्लाई चेन भी शुरू होती दिख रही है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते? ये अभी जो पार्शियली सॉल्व हो रहा है वो हो रहा है कि थर्ड पार्टी मीडिएटर्स वगैरह इस्तेमाल करे जा रहे हैं, धर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम। रशिया कह रहा है मुझे युआन या धर्म दो। ये रिजोल्व करना होता तो शायद मैं पीएम की एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन होता, पूरी सरकार कोशिश कर चुकी है, बड़ी बड़ी टेढ़ी प्रॉब्लम फंस गई है। तो रियलिटी ये कि इन फ्यूचर यही रहा तो वो भी एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट ऑयल एंड डिफेंस में हम पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे रशिया। आपने एक और तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात आप कर रहे हैं, क्या वो आप रूस और यूक्रेन के युद्ध को समझ रहे हैं उसको? एंड ओवरऑल देखिए, रशिया और यस यूक्रेन का युद्ध किया है, आज की इस सेंचुरी की वॉर्स आर नॉट ओनली मिलिट्री और जमीन पे, वो 100 साल पहले की थी, आज की वॉर्स आर प्लस डेफिनेटली ऑल ऑफ दैट प्लस इकोनॉमिक टेक्निकल साइबर जो भी आपके ये इमेज की वॉर्स। रशिया के $300 बिलियन जब्त कर लिए, ये कोई वॉर का घात नहीं है क्या? रशिया पे पूरी सैंक्शंस ऐसी ऐसी पड़ी हुई है, कल्चरल स्पोर्ट्स हर तरह से रशिया का टोटल काट दिया है दुनिया से। ओके, ये क्या वॉर नहीं है? सो दिस इज, और इसका क्या इंपैक्ट पूरी दुनिया में नहीं पड़ रहा? पूरी एनर्जी क्राइसिस, तेल, फूड ग्रेन क्राइसिस। सर, बहुत बहुत गंभीर आप और बहुत सीरियस ये बातें हैं।